नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साइडेड कॉलर नेक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी इजी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, तो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहेंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कॉलर नेक के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फ्रिजिंग पेपर लिया है, जिसकी विड्थ है 4.5 और लेंथ है 14 इंचेस। अब पहले इस डबल फोल्ड फ्रिजिंग पेपर के बिल्कुल सेंटर में हम एक मार्क करेंगे। ये मार्किंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, दोनों साइड हमें अलग अलग मार्किंग करनी है। यहाँ विड्थ मैं रखूँगी दोनों साइड सेम 3¼ इंच। अब यहाँ एक साइड हमें 3¼ पे सेम लेंथ में भी मार्क करना है, जैसे हम कॉलर में यूजुअली मार्क करते हैं विड्थ और लेंथ सेम। अब इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए इस तरह हल्की सी गोलाई देंगे। अब दूसरी साइड, यहाँ कॉलर इस तरह से यहाँ से एक्सटेंड होगा, तो कॉलर हम 1 इंच का बनाएंगे, तो ये 1 इंच का हमें यहाँ पर गैप देना है। अब इन दोनों मार्क्स को हम इस तरह से मिला लेंगे, ये कॉलर नेक का शेप देंगे। अब देखिए, दोनों साइड इस तरह से 1 इंच का बीच में गैप आएगा। अब इस लाइन को हमें 2.5 इंच तक इस तरह एक्सटेंड करना है। अब इस एक्सटेंडेड पॉइंट को हमें सेंटर में जो लाइन है वहाँ तक इस तरह स्लांटिंग में मिला लेना है। यहाँ से ये हमारा प्लेकेट बनेगा और ये साइड कॉलर नेक के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब जो ये सेंटर पोर्शन है, ये दोनों तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करना है। अब जैसे हमने मार्किंग की है, पूरी मार्किंग के बाहर की तरफ 1 इंच का गैप देंगे। इस तरह मार्किंग करने के बाद अब हम इस नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। जो सेंटर में मार्क है वो हमें अभी कट नहीं करना, सिर्फ जो साइड से हमने मार्क किए हैं वहाँ पर हम कट लगाएंगे। इस तरह पूरी नेकलाइन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। बाहर की तरफ 1/2 इंच हमें फोल्डिंग के लिए रखना है। फोल्डिंग के बाद अब मैं आपको मार्किंग करके बताती हूँ कि पहले हमें कहाँ स्टिच करना है। देखिए, इस साइड हमें पहले स्टिच करना है। देखिए, यहाँ मैं 1/4 इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग के लिए मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह मार्किंग करने से आपको इजीली समझ आएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक स्टिच करनी है। देखिए, इस प्लेकेट पे हमें इस तरह वी शेप में स्टिच करना है।
अब यहाँ तक हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे। देखिए जो डार्क मार्किंग आपको दिख रही है, सबसे पहले हमें यहाँ स्टिच करना है। अब इस कटिंग को हम कुर्ती के फ्रंट साइड पर इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ मैंने सेंटर में भी एक मार्क किया है और अच्छे से सेंटर्स को मिलाते हुए यहाँ से स्टिच करेंगे। यहाँ प्लेकेट पर वी शेप में स्टिच करें। अब यहाँ आके हमें स्टिच को कंप्लीट करना है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब हम पहले इसको मशीन से निकाल लेंगे। अब यहाँ पूरी नेक लाइन की कटिंग करेंगे। इस नेक लाइन की कटिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ इस तरह से हम इस कॉलर नेक के लिए कटिंग करेंगे और जो ये साइड प्लेकेट के लिए हमने स्टिच किया है, इन दोनों स्टिच के बीच में हम इस तरह से कट लगाएंगे और बिल्कुल एंड तक कट लगाना है जहाँ तक स्टिचिंग की है। ध्यान रहे स्टिचिंग कट नहीं होनी चाहिए। अब इस फिजिंग पेपर को पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद यहाँ हम पहले एक रफ स्टिच से इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ कॉलर नेक से मैंने स्टिच नहीं किया था तो ये पूरा ओपन साइड है। ये मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके और अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ प्लेकेट को कवर करने के लिए मैंने ये डबल फोल्ड स्ट्रिप ली है। अब डबल फोल्ड स्ट्रिप पर हम लूप्स को अटैच करेंगे। लूप्स को अटैच करने के लिए पहले इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। 1 इंच का गैप देते हुए पूरी स्ट्रिप पे हम मार्क करेंगे। लूप्स के लिए मैंने ये पतली डोरी रेडी कर रखी है। अब यहाँ हम सब एक ही साइज के लूप्स बनाएंगे। लूप्स की एक स्टिच कंप्लीट होने के बाद वहाँ 1/4 इंच का गैप देके एक और स्टिच करें तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट करना है। देखिए इस तरह मैंने स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब नेक लाइन के इस तरफ हमें ऊपर से 1/2 इंच छोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ ऊपर कॉलर अटैच करेंगे और यहाँ 1/2 इंच छोड़ने के बाद इस स्ट्रिप को इस तरह स्टिच कर देंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद मशीन के पैर को थोड़ा ऊपर उठा के इस स्ट्रिप को हम इस तरह फोल्ड करके और स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। पूरी नेक लाइन पर इस तरह स्टिच करने के बाद ये प्लेकेट रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर लाइन को स्टिच कर देंगे। शोल्डर लाइन स्टिच करने के बाद हम कुर्ती के बैक पोर्शन को इस तरह डबल फोल्ड करके करीब 1/2 इंच तक
इस तरह नेक की कटिंग करेंगे। अब हमें कॉलर के लिए मेज़र लेना है। कॉलर नेक को इस तरह से रखें और पूरे नेक पर इस तरह मेज़र टेप को घुमाते हुए कॉलर के लिए मेज़र लें। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में कॉलर आ रहा है 19 1/2। कॉलर के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फ्रिजिंग पेपर लिया है, ऊपर की तरफ से ये बंद है। अब 19 1/2 का हमें बिल्कुल हाफ़ करना है और हाफ़ करने के बाद वहाँ तक मार्क करेंगे। अब ऊपर की तरफ हम 1 इंच पे इस तरह मार्किंग करके हल्की सी गोलाई देंगे और कॉलर का शेप देंगे। अब ऊपर की तरफ हमें पूरा 1 इंच चौड़ा कॉलर रखना है, तो पूरे में हम इस तरह 1 इंच पे मार्क करेंगे और कॉलर का शेप देंगे। यहाँ से इस तरह से गोलाई देनी है। अब पूरी कॉलर के लिए मार्किंग हो चुकी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग करने के बाद हमें फैब्रिक पर पेस्ट करना है। यहाँ भी हमें 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए रखना है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि कॉलर को अच्छे से फोल्डिंग के लिए आप फैब्रिक ग्लू ज़रूर यूज़ करें। फैब्रिक ग्लू से इस तरह ये कॉलर रेडी हो चुका है। अब इसे स्टिच करने के लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस पर इस कॉलर नेक को सेट करके ऊपर की तरफ से पूरी इस तरह कॉलर के शेप में स्टिच करेंगे। इस तरह स्टिच करने के बाद अब यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। यहाँ भी हमें इस स्ट्रिप पर नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच रखना है। अब जो गोलाई वाला शेप है वहाँ छोटे कट लगाने हैं और इस कॉलर को इस तरह सीधा करके अच्छे से आयरन कर लें। अब इसे अटैच करने के लिए कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखें। अब यहाँ इस पॉइंट से हमें कॉलर को स्टार्ट करना है। पूरी नेक लाइन पर लूज छोड़ते हुए कॉलर को अटैच करें। कॉलर को ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो साइज से कॉलर बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर हमने प्लेकेट बनाया था वहाँ तक कॉलर को एंड करना है। अब कुर्ती को हम फिर से सीधा रखेंगे और कॉलर को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके और किनारी पर स्टिच करना है। यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू से कॉलर को फोल्ड कर लिया था, तो अब इसको स्टिच करने में बहुत ही आसानी होगी। मुझे इस तरह कॉलर अटैच करने में बहुत ही आसान लगता है। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करके देखें। ये पूरा कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ लूप्स पर हम बटन्स यूज़ करेंगे। ये मेरा ब्रांड न्यू साइडेड कॉलर नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।